सो हे गाइस, आज के वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं सर किस तरह से सिर्फ व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू उस व्हीकल के कंप्लीट डिटेल्स निकाल सकते हैं, और यदि आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप किस तरह से सिर्फ आप बीएल नंबर की हेल्प से उसकी कंप्लीट डिटेल्स निकाल सकते हैं। कई बार आपके आस पड़ोस में लावारिस गाड़ी खड़ी होती है, या फिर आप कहीं पर जा रहे हैं तो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा रहता है, या फिर आप कोई पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो वो गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर है, कौन उसका ओनर है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो किसी भी व्हीकल नंबर के थ्रू उसकी कंप्लीट डिटेल निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक एप्लीकेशन का, जिसका नाम है एम परिवहन। तो मैं इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं से किस तरह के आपको यहां पर फीचर देखने को मिल जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन का अभी तक 10 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुका है और 4.3 का इसको रेटिंग मिला हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा रेटिंग है। तो इस एप्लीकेशन के जरिए आप कंप्लीट चीज़ें कर सकते हो। तो एप्लीकेशन का डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, मैं ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद में एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन कौन कौन से काम आ सकती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको आप लेफ्ट में स्वाइप करोगे तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करवाती है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ऊपर में आपको स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लैंग्वेज सपोर्टेड है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, बंगला, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती। तो आपके लिए जो भी लैंग्वेज कन्वीनियंस हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर अभी इंग्लिश को सिलेक्ट करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। तो डैशबोर्ड ओपन होने के बाद में आप यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर साइन अप कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए हम साइन अप कंप्लीट कर लेते हैं, वो कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए ऊपर देख सकते हो 3 लाइन्स का ऑप्शन बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा कि साइन अप कैसे करना है। तो यहाँ साइन इन का ऑप्शन बना हुआ है, तो आपने साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा, लेकिन आपने तो यहाँ पर साइन इन किया ही नहीं है, तो कैसे आप यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करोगे। तो नीचे में आपको साइन अप करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने एक मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके पास में एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, तो कोड को यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर कर देना है एंड साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप एम परिवहन एप्लीकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर उसके बाद में आप किसी भी व्हीकल नंबर के थ्रू उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आरसी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने उस व्हीकल नंबर को एंटर कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी एक व्हीकल नंबर को एंटर कर रहा हूँ और इसकी डिटेल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने यहाँ पर व्हीकल नंबर डालकर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो इसकी कंप्लीट डिटेल आ चुकी है और ये व्हीकल जो है किस आरटीओ में रजिस्टर है ये भी यहाँ पर दिखा रहा है। व्हीकल क्लास आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर मोटरसाइकिल का दिखा, यहाँ पर डिटेल दी गई है। नीचे में आप इसका रजिस्ट्रेशन डेट, फिटनेस वैलिड अप टू, इंश्योरेंस वैलिडिटी वगैरह सब चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके नीचे में आपको यहाँ पर दो चीज़ें और देखने को मिल जाती हैं। पहला ऑप्शन है ऐड टू डैशबोर्ड फॉर वर्चुअल आरसी और जो सेकंड ऑप्शन है व्यू चलान। तो आप चाहो तो यहीं से इसका वर्चुअल आरसी भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए आपको चेसिस नंबर और इंजन नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास में चेसिस नंबर और इंजन नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ से एक वर्चुअल आरसी भी डाउनलोड कर सकते हो। नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन कैसे ले सकते हो सिर्फ व्हीकल नंबर के थ्रू, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पर व्यू चलान का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये भी जान कि इस गाड़ी के ऊपर अभी कोई चलान एक्टिव है या नहीं है। उसके लिए भी आपको इंजन नंबर और चेसिस नंबर के लास्ट के 4 डिजिट चाहिए, वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपके पास में सिर्फ डीएल नंबर है तो डीएल नंबर के थ्रू भी आप यहाँ पर उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसके लिए आपने डीएल डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एक डीएल नंबर को एंटर कर देना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डीएल नंबर डालकर सर्च किया तो उसके बाद में इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है विद फोटो। यहाँ पर आप मेरा फोटो देख सकते हो, मैंने अपना डीएल नंबर यहाँ पर एंटर किया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको व्हीकल क्लास भी मिल जाता है कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है MCWG और LMW के लिए वैलिड है। उसके साथ ही आप चाहो तो एक वर्चुअल डीएल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करना पड़ेगा, उसके बाद में वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से एक वर्चुअल डीएल भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही आप व्यू चलान वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस डीएल पर कोई चलान वगैरह है या नहीं वो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो नो चलान डिटेल्स फाउंड अगेंस्ट दी सर्च डीएल नंबर, यानी इस डीएल एड्रेस पर अभी कोई भी चलान एक्टिव नहीं है।
सो इसी वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया से किस तरह से आप सिर्फ व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू व्हीकल की कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।